Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta and I am here to teach you mathematics. So my dear students, हमने अपने last lecture में क्या किया था? हमने operations on number system start किया था, है ना? सबको याद है? जिसमें हमने क्या-क्या सीखा था कि कैसे addition, multiplication, subtraction, division जो है हमारे real numbers पर apply होता है. जिसमें हमने फिर rationalize करना भी सीखा था denominator को, है ना? तो अब उन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं हमने वो लास्ट कुछ डिस्कस किए थे तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे सो दैट कि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि ये जो कंसेप्ट था क्या. सो हम मूव करते हैं इस कंसेप्ट की एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 1.5 है रजे आपकी. सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर. अब इन नंबर्स में से बस ये बताना है कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है. तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ना लास्ट में जब हमने ऑपरेशन सीखे थे. तो क्या कहा था? एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर अगर ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे ये है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा है इरेशनल नंबर. है ना ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है. तो रैशनल और इरेशनल जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या सीखा था हमने उसमें, क्या कंसेप्ट सीखा था, वो क्या आ जाता है? इरेशनल. तो यानी कि ये है इरेशनल. बस इसमें तो सिर्फ इतना बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल, ठीक है. ये हो गया इरेशनल. अब दूसरे वाले में ये रैशनल है कि इरेशनल है. 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दूसरा है माइनस का. सॉल्व करो इसको, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है जी रैशनल. अब आपको ये याद है कि ये यूज क्या हो रही है प्रॉपर्टी? याद है आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब रैशनल और इरेशनल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या हो सकता आएगा? इरेशनल. यहां पर जो है इरेशनल और इरेशनल है, याद आ रहा है मैंने कहा था रैशनल और इरेशनल्स की बात थी तो वो रैशनल आ रहे थे, रैशनल और इरेशनल की बात थी तो वो इरेशनल आ रहे थे, और जब इरेशनल और इरेशनल की बात थी तो वो क्या थे? या तो रैशनल या इरेशनल, कोई भी हो सकता था रैशनल और इरेशनल में से, याद है. तो यहाँ पे देख के मतलब आपको ना ये इनको समझने का मतलब क्या था कि आपको याद रहेगा तो जब आपका आंसर आएगा ना वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है. अब यहाँ पे ये भी इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था. हमने तो सीधा क्वेश्चन के हिसाब से तो लिख देना था कि ये इरेशनल और दोनों इरेशनल नंबर्स हैं तो क्या आएगा, कि रैशनल भी हो सकता है इरेशनल. पर हमें एक्चुअल रिजल्ट कैसे पता चलेगा ये सॉल्व करके देखा. तो यहाँ एक एग्जाम्पल हो गया कि जो दो इरेशनल नंबर्स मिल रहे थे तो आंसर रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी, तो यहाँ रैशनल आया हमारे पास, ठीक है. ये हो गया. अगर हम अब देखें नेक्स्ट वाले में, अब ये भी दो इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. ये दोनों कट के कितना आ गया? 2/7. तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया. हमने जस्ट क्लासिफाई तो करना था. ये क्या है? रैशनल और इरेशनल है, दोनों की डिवीजन है तो ये इरेशनल है. कोई भी कंसेप्ट सीखा होता है अगर हमें मेमोराइज नहीं होता ना, आपने क्या करना है एग्जाम में भी एक साइड में, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में देखो ये लिखा है ना, ये सब लिख लिए ना आपने, एक बार लिख लेना है अपने, उसको रिकॉल करोगे फिर तो एक ये पूरा जो यूनिट सीखा होता है ना हमने किसी फॉर्मूले का वो याद आ जाता है. एक बार लिख लो कि हाँ हमें याद है रैशनल रैशनल होते हैं, रैशनल इरेशनल इरेशनल होते हैं, इरेशनल और इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल. फिर अब आप अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक साइड में लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये हो गया इसका भी. अब और ये क्या है? 2 है रैशनल, पाई है इरेशनल, ये भी इरेशनल है, ठीक है. ये तो जस्ट हमें चेक करना था कि रैशनल है कि इरेशनल है. अब अगले वाला है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है. अब देखो हमने क्या कहा था, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन.
अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करना है, हमने थ्री पहली ब्रैकेट में से पहला डिजिट उठाया, इसको थ्री को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, टू प्लस रूट टू। फिर दूसरा जो डिजिट है उसके अपने साइन के साथ, यानी आप प्लस है तो उस साइन के साथ उठाओ, प्लस में रूट थ्री, टू प्लस रूट टू। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए खोल दो इसको, थ्री टू जा सिक्स, प्लस थ्री को इससे करेंगे थ्री रूट टू, प्लस टू रूट थ्री, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। प्लस हमने क्या कहा था, अगर कोई दो पॉजिटिव, याद रखना है पॉजिटिव, क्योंकि जो स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव होता है ना वो रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो हम बाद में सीखेंगे कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, पर जो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा होता है, इस बात को याद रखना है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं, अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया ना, नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो वो एक रियल नंबर नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बाद में सीखेंगे होते क्या हैं। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो हैं नंबर एक्चुअली, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे थे, अगर वो अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो हम उनको कॉमन इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस में टू रूट थ्री प्लस में रूट सिक्स, तो ये आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका, ये फिर से अभी बहुत बार किया हमने एग्जांपल्स में, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल्स किए थे उसमें ये सब किया था ना, कितने सारे क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड। a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर माइनस बी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री उसका स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री कितना हो गया सिक्स। क्लियर है सबको, कर लिया नोट सबने, ओके नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो, जिसको जैसे भी आसान लगे, ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि ये हम टू टाइम्स है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू। अभी अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, दो ब्रैकेट्स को कैसी मल्टीप्लीकेशन होती है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या फॉर्म बन रही है, ए है ब्रैकेट में प्लस बी है उसका स्क्वायर, है ना, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है। तो हमारे पास a की जगह क्या है, रूट फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई में रूट फाइव मल्टीप्लाई में रूट टू, लगा दिया वो वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये फाइव बच गया, प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा ये बचा टू, प्लस टू अब ये वाले जो हैं स्क्वायर वाले, फिर से वैसे वही बात कि अगर अलग अलग पे है तो हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या बना, फाइव और टू सेवन। अब ये गलती ना कर देना कोई कि ये प्लस टू इसके साथ है, नो ये उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अलग रहेगा, टू रूट टेन। ठीक है, तो सेवन प्लस टू रूट टेन ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ठीक है, टू इसके साथ ऐड करके नाइन नहीं बना देना है, टू जो है स्क्वायर रूट ऑफ टेन के साथ मल्टीप्लाइड है, वो उसके साथ नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। ये फिर से ए माइनस बी की फॉर्म और ये ए प्लस बी की फॉर्म। ठीक है, अब किसका फॉर्मूला होता है, ये फिर से वही बात कहूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमारा ए की जगह क्या है,
स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर, माइनस बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर। फिर वही बात, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रहा 5 माइनस यहां पे क्या रहा 2, आंसर आ गया 3। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अपने। इसमें क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। सबसे पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास एक सर्कल है जहां पे सी डी क्या है सर्कमफ्रेंस और डी डायमीटर है। आपको पता है ये तो एक ये सर्कल है, ये इसका क्या होता है सेंटर पॉइंट, ये क्या होता है रेडियस, और अगर हम ये पूरे की बात करें ये वाला पूरा ये होता है डायामीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये इसका सर्कुलर पाथ होता है जो है ना, ये सर्कुलर होता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। और क्या होता है जो पाई किस क्या डिनोट करता है, सी बाय डी। सी क्या है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस और डी क्या है डायामीटर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। कि यहां से बराबर का निशान है कि पाई की, ये हमने एक स्टेटमेंट सीखी हुई है कि पाई किसके इक्वल होता है सी बाय डी, सी सर्कमफ्रेंस और डी डायामीटर होता है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। पाई तो हमने सीखा हुआ है कि इरेशनल नंबर है, पाई पाई की वैल्यू इरेशनल है, और सी और डी तो हमारे जो हैं क्या है, सी और डी जो है किसकी फॉर्म बन रही है पी बाय क्यू की फॉर्म बन रही है, यानी एक रैशनल, तो रैशनल और इरेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं इस कंट्राडिक्शन को कैसे दूर करें, तो एक्चुअली में राजे क्या है, ये हम कह रहे हैं कि जो सी है, सी है सर्कमफ्रेंस, जब आप इसको मेजर करोगे क्या कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर पाओगे, सर्कमफ्रेंस की तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये डेसिमल्स में जब आप करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर पाओगे, सो इसलिए जो इक्वल टू नहीं होता एक्चुअली में तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, सो यही इसके कंट्राडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये जो ये इसके कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसलिए इक्वल टू नहीं अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जस्ट यही एक रिजॉल्व कर सकते हैं हम इसको कि ये एक हमारा इरेशनल नंबर है और इसकी कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, और इस टाइप का बच्चा क्वेश्चन नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जो हम अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उस टाइप के आते हैं, जस्ट फॉर टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट किस पाई इज इक्वल टू सी इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन, एग्जाम्पल में किया था ना हमने 3.5, और स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर्स तो हम कर ही चुके हैं, रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे लास्ट क्लासेस में। अब इसको उस एग्जाम्पल को आपको रिवाइज करने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ एक और, कैसे करना है। हमने कहा था कि जो नंबर हमने क्या करना है, डिनोट करना है नंबर लाइन पे, एक लाइन लो उतनी ही लेंथ की, मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी, ये वाली जो लेंथ है वो है 9.3, आपने ले ली 9.3, जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है उतनी ही लाइन ले ली, उससे आगे 1 यूनिट और ले लो, ये पॉइंट कर दो सी, ये कितना है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब ये एक पूरी लेंथ बन गई ए सी। ठीक है, आपने जितनी ये कंप्लीट है लेंथ है उसका सेंटर पॉइंट ले लो, ये हो गया इसका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट इसको नाम दे दो ओ। अब ये मिड पॉइंट है सेंटर है, तो अगर आप इस पे कंपस रखो, कंपस रखोगे आपकी, उसको कितना ओपन करो ओ से लेके सी तक, तो वो ओ से सी करो या ओ से ए करो, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ना तो बराबर होगा, तो एक आर्क लगाओगे यानी कि वो एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल बन गया। अब अगर ये सेमी सर्कल बन गया तो ये ओ सी और ओ ए इक्वल हो गए, क्योंकि ये सेंटर में है, हमने किया है
रेडियस पूरे जो एक सर्कल होता है रजे, ये देखो एक ये सर्कल होता है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हो या ये हो, है ना, ये हो या ये हो, ये हो या ये हो, कुछ भी हो, हैं तो सारे रेडियस ना वो सब बराबर होते हैं, है ना, ये सबको पता है ना, तो इसलिए ओ सी हो या ओ ए हो ये बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस पॉइंट पर बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इस ओ और डी को मिला दें, ये भी देखो सेंटर पॉइंट से क्या आंख को टच कर रहा है, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये सिर्फ सेंटर पॉइंट होता है, चाहे ये लेंथ है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये सारे रेडियस हैं, तो यानी ये भी इसका रेडियस हो गया, यहाँ पे भी कहीं पे भी आप करोगे सारे रेडियस हैं वो, तो यानी ओ सी हो चाहे ओ ए हो चाहे ओ डी हो, सबकी वैल्यू बराबर होगी क्योंकि सारे इस सेमी सर्कल के रेडियस ही हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अगर मुझे अब ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अगर मुझे इनकी सारे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, मैं इनकी सबकी वैल्यूज निकालूं, कैसे निकालते हैं, तो देखो ये जो OD है ये तो जितना ये रेडियस होगा, यानी जितनी OC की वैल्यू होगी जितनी OA की होगी, होगी कितनी इनकी वैल्यू, अगर मैं OC की देखूं कितनी वैल्यू होगी, पूरा रेडियस क्या होता है, हमेशा रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल का डायामीटर का आधा, हाफ ऑफ डायामीटर, है ना। अब यहाँ डायामीटर है कितना पूरा, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, कितनी है 9.3 प्लस में 1, ये इतनी 9.3 थी और ये प्लस में 1 है, प्लस 1, ये तो रेडियस है, डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाता है उसका हाफ, यानी OC की वैल्यू जो होगी है इतनी है। अब मैं बात तो इस ट्राइंगल की कर रही हूँ, इस ट्राइंगल में तो हमारे पास OB है ना, तो OB की कितनी वैल्यू होएगी, इस पूरे OC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं, OC माइनस BC, तो अब देखो वैल्यूज फिल करो, OC की वैल्यू कितनी है 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस BC की कितनी वैल्यू है 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों का LCM लोगे, 2 9.3 प्लस 1 और इसका LCM जब लोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो यानी ये वैल्यू आ गई है 9.3 माइनस 1 बाय 2, ये वैल्यू आ गई है OC की, सॉरी OB की, ठीक है, OB की वैल्यू आ गई है 9.3 माइनस 1 बाय 2, क्लियर है सबको इतनी बात। अब मैं बात करती हूँ कि OD की कितनी वैल्यू थी, 9.3 प्लस 1 बाय 2, है ना। अब इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में OB की वैल्यू भी है, OD की वैल्यू भी है, अब BD की वैल्यू निकालूं तो BD की कितनी आएगी, मैं एक मिनट इसको रब कर दूं बेटा, ये जो मैंने सर्कल बनाया था ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था ना कि कैसे रेडियस और डायमीटर हम देखते हैं एक सर्कल का, तो अब मैं कर रही हूँ वैल्यू BD क्या होगी, हमारे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OD स्क्वायर क्या होता है, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही होता है। अब यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यू किसकी निकालनी है, BD की, तो BD का स्क्वायर ये इसको यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब OD की वैल्यू कितनी है, हमने कहा है ना OC और OD इक्वल है, तो ये है 9.3 प्लस 1 बाय 2, 9.3 प्लस 1 बाय 2 इसका स्क्वायर माइनस OB कितना आया, 9.3 माइनस 1 बाय 2 इसका स्क्वायर, ये अब क्या बन रहा है, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी,
यही फॉर्मूला होता है, वही मैं यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। ए है ये, बी है ये, यानी कि 9.3 प्लस 1 बाय 2 प्लस में ए प्लस बी करना है, तो वो 9.3 माइनस 1 बाय 2, एक ब्रैकेट में ये, दूसरी ब्रैकेट में 9.3 प्लस 1 बाय 2 माइनस 9.3 माइनस 1 बाय 2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको बेटा सॉल्व करेंगे कैसा हो जाएगा, दोनों का अगर एलसीएम ले लूँ मैं 2, ठीक है, 9.3 प्लस 1 माइनस, उसके आगे माइनस हो जाएगा 9.3 प्लस का 1, ये हुआ। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये मैंने इसका लिया है, एक मिनट ऊपर वाली ब्रैकेट छूट गई है, पहले उसको करूं, ये है ना, दो ब्रैकेट्स हैं बेटा, उसको मिस नहीं करना है, ये दो ब्रैकेट्स इकट्ठे हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले ऊपर वाली का एलसीएम लेना ज़रूरी है। 2 ऊपर क्या आएगा, 9.3 प्लस 1, है ना, फिर प्लस में 9.3 माइनस 1, एक ब्रैकेट ये आई, दूसरी ब्रैकेट वाला एलसीएम फिर यहाँ आएगा, 9.3 प्लस 1 माइनस 9.3 प्लस का 1, ठीक है। अब क्या आएगा इसको सॉल्व करके, यहाँ तो 1 से 1 कट रहा है और यहाँ 9.3 से 9, तो ये कितने हो गए, 9.3 और 9.3 ऐड होंगे, 18.6 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में 2 बाय 2, 1 और 1 2 हो गए ना। अब ये इससे कट गया और ये इससे जब डिवाइड करेंगे तो 9.3 आ गया, है ना। अब यानी बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई है 9.3, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू से इस साइड वो स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाता है 9.3, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है। पर ये तो ये वाली लेंथ आई ना, है ना, हमें तो नंबर लाइन पे लाना है, जो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन थी नंबर लाइन, उस पे हमने ड्रॉ करना है, है ना। अब देखो ये वाली लेंथ हम कह रहे हैं 9.3 है, मैं अगर कंपस खोलूँ, मैंने रखी कंपस यहाँ इतनी ओपन की, है ना, अगर मैं इसी को कंपस को खोले खोले ऐसे ले आऊँ, तो ये ऐसे खोलते खोलते अगर मैं ले आऊँ तो ये आर्क यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बी पे रखी, डी तक खोली, ये वैल्यू है 9.3 का स्क्वायर रूट, ओपन करे करे मैंने यहाँ तक ले आई, तो यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये नंबर लाइन पे 9.3 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बच्चों सबको, आ गया समझ, हमने एग्जांपल भी किया था, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लिया, अब सबको समझ आ गया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन, हो गया नोट। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, फिर वही जो हमने एग्जांपल्स में किया था, रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो उसको रैशनल बना लो, तो रैशनल कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में है अगर विदाउट एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी, उसी से डिवाइड भी, क्या आ जाएगा ये 1 और रूट सेवन अपॉन में रूट सेवन का स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ गया रूट सेवन बाय 7, डिनोमिनेटर में आ गया रैशनल नंबर, बस इतना ही करना था बेटा, इसमें और तो कुछ था नहीं। अब भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है ये, कैसे करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या कहा था मैंने, क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस वाला हो जाएगा, तो यानी कि रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड में रूट 7
प्लस रूट सिक्स। एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर ये काट दो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कुछ क्वेश्चन में कुछ भी इनिशिएट करते हैं, हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट नहीं बदलने चाहिए, बस यही मेन होता है, बाकी तो हमारे ये लॉजिक्स ही होते हैं मैथमेटिकल। ठीक है, तो अब हम न्यूमिरेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, वन से ऊपर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को। डिनोमिनेटर फिर वही ए माइनस बी, और ये है ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर से वही ए स्क्वायर यानी कि रूट सेवन का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर से लगा रही हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर न्यूमिरेटर में बच गया जी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन में सेवन माइनस सिक्स, आ गया रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन में वन, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये आपका आंसर आ गया, हो गया ओके। अब नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, इसको रैशनलाइज करना है फिर से, रूट सेवन माइनस रूट टू बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ऐसे ही होगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रूट टू, ठीक है। अब देखो बेटा वही फिर न्यूमिरेटर वन को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट सेवन प्लस रूट टू अपॉन में फिर ये सॉरी प्लस था ना बेटा, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, फिर वही क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ सेवन का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, क्या बन गया ये, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, सेवन माइनस टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन में फाइव। हमारा डिनोमिनेटर में अब इरेशनलिटी कुछ नहीं दिख रही है, रैशनल नंबर ही है, तो ये आपका रैशनलाइज हो चुका है। फोर्थ पार्ट में इसमें क्या है, वन बाय रूट सेवन माइनस टू, यही है, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट सेवन प्लस टू, रूट सेवन प्लस टू, फिर क्या आ जाएगा ये रूट सेवन प्लस में टू अपॉन में वही फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर माइनस वही फिर से बता देती हूँ, एक बार लिख ही देती हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी है हमारे पास अगर, तो वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, रूट सेवन प्लस टू, सेवन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, टू टू जा फोर। बच्चों अब तो ये सारा बिल्कुल सेम वही है ना, सबको समझ आ गया होगा, है ना, सेवन माइनस फोर थ्री, तो ये हो गया, या फिर इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, रूट सेवन बाय थ्री प्लस में टू बाय थ्री, तो ये हो गया इसका हमारा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हुआ हुआ है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों सबको, प्लीज नोट इट डाउन, हो गया सबको। तो रजे ये था, हमने जो भी अपने लास्ट क्लास में ऑपरेशन सीखे थे उसी के ऊपर बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।